कौमी केवीएस मोहम्मद आसिफ ने दोहा में जारी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली, जिसके बाद फैसलाबाद में उनके घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम, बताइए कैसा समा देख रहे हैं उनके घर पर? जी, पाकिस्तान के मोहम्मद आसफ ने दोहा में जारी वर्ल्ड चैम्पियन स्नोकर का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। उन्होंने ये तीसरा वर्ल्ड चैम्पियन टाइटल जो है वो जीता है। उन्होंने फाइनल में ईरान के प्लेयर्स को 3-5 के फ्रेम से शिकस्त दी है। इससे कबल 2012 और 2019 में भी वो स्नोकर का वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जो है वो अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त उनके घर पर फैसलाबाद में मुबारकबाद देने वालों का तांता जो है वो बंधा हुआ है। इस वक्त जश्न का समा है। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। जी, बहुत खुशी की बात है कि मेरे भाई ने तीसरी दफ़ा ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। उसने मुल्क और कौम का मसन यानी कि नाम रोशन किया और हमें बहुत खुशी है इस बात की। हम कल से उसका टूर्नामेंट सब घर वाले देख रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की गई हैं। अच्छा, वापसी पर कैसा इस्तकबाल होगा? जी, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा और फैसलाबाद में भी किया जाएगा और कराची में, जब पहले कराची में आएंगे उधर किया जाएगा, उसके बाद फैसलाबाद में भरपूर तरीके से सब रिश्तेदार मोहल्लेदार और फैसलाबाद वाले सारे इकट्ठे होंगे। इंशाल्लाह उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, अहले खाना जो है वो इस वक्त खुश है। उनका कहना है कि उनकी वापसी पर आसफ की भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा।